हेलो मैं फ्रेंड नमस्कार सो व्हाट विल बी ए न्यू सैलरी ऑफ बैंक पीओ वेदर इट्स आई बी या आपका आरआरबी होगा या बैंक एसओ एसओ एस मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर वेदर इट्स आईटी या आपका एचआर हो या लॉ ऑफिसर हो या आपका मार्केटिंग ऑफिसर हो एनी ऑफिसर सो वेदर इट्स ए स्केल वन स्केल टू स्केल थ्री वट विल बी न्यू सैलरी ठीक है आफ्टर यर ट्वेल्थ बाईपेटाइट सेटलमेंट सो so, अब जो न्यू होंगे जॉइनी उनको कितनी सैलरी मिलेगी दो हजार चौबीस में जिन्होंने ज्वाइन किया है न्यू जॉइनी ठीक है अभी जो एग्जिस्टिंग जो स्केल वन ऑफिसर होता है जिसको हम बैंक पीओ बोलते हैं एसओ के अंदर स्केल वन ऑफिसर होता है ही इज हैविंग बेसिक पे ऑफ थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज नाउ आफ्टर द वेज रिविजन हिज बेसिक पे इज तो अभी जो न्यू बैंक पीओ लगता है उसका जो ग्रॉस पे रहता है वो अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी सेवन के के आस रहता है इसमें हल्का बहुत ऊपर नीचे रहेगा सो so, अब जो न्यू बैंक प्यो रहेगा उसका जो सैलरी रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली एट्टी के आस पास आपका सैलरी रहेगा सो इफ योर बेसिक पे इज इंक्रीजिंग देन योर ओवरऑल ग्रॉस पे विल इंक्रीज अभी जो आपका डी ए है दैट इज अ फोर्टी एट परसेंट के लगभग आपका डी ए रहता है इसलिए ये सिक्सटी सेवन है अगर मैं यही मैं दो हज़ार इक्कीस की मैं बात करूँ जो न्यू रहता था जॉइनिंग उसकी जो सैलरी रहती थी वो फिफ्टी के आस पास है फिफ्टी टू के के आस पास रहती थी अब ये इतनी ज़्यादा हो गई है अब जो न्यू रहेंगे जॉइनिंग उनकी रहेगी और यही अगर आप सेल स्केल वन पे रहेंगे तो दो हज़ार पच्चीस तक या दो हज़ार छब्बीस तक यही आपकी जो रहेगी सैलरी वो लगभग आप बोल सकते हो कि नाइनटी फाइव के के लगभग हो जाएगी अब अगर आप स्केल ऑफिसर हो जैसे आपको एक साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तो आपकी जो न्यू बेसिक हो जाएगी वो फिफ्टी हो जाएगी जैसे ही एक साल होगा आपको पूरा तो आपकी बेसिक पे इंक्रीज हुई है तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी फिर एक साल होगा फिर आपकी जो ग्रॉस है वो इंक्रीज हो जाएगी फिर एक साल होगा फिर आपकी ग्रॉस इंक्रीज होगी सो इफ योर ग्रॉस इज आई एम सॉरी योर व्हेन योर बेसिक पे इज इंक्रीजिंग योर ग्रॉस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज ड्रास्टिकली ऐसे ही जो स्केल टू ऑफिसर होता है जो एज ऑफ नाउ जिसने ज्वाइन किया होता है उसका बेसिक पे रहता है 48150 70 रुपीस अब इसका रिवाइज बेसिक पे हो जाएगा 64840 अब लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन अ

आपको एक इंक्रीमेंट लग जाए वन इंक्रीमेंट यू विल रिसीव सो लेट सपोज योर बेसिक पे इज दिस वन नाउ योर बेसिक पे विल इंक्रीज बाय दिस सो फिर आप ये न्यू बेसिक पे हो जाएगी so सो जे से इंक्रीमेंट में आपको लगभग लगभग आप बोल सकते हो कि पच्चीस से लेके अट्ठाईस सौ का आपको हर महीने हर महीने आपको सैलरी में डिफरेंस देखने को मिलेगा अब मान लो अगर आपने जे भी, भी की उसके बाद सी की तो और इंक्रीमेंट मिलेगा आप स्टार्टिंग में स्केल वन लगे उसके बाद आपने प्रमोशन लेके स्केल टू हो गए फिर आपकी बेसिक जो रहेगी वो अच्छी इंक्रीज हो जाएगी फिर स्केल टू से स्केल थ्री हो जाएगी तो इतनी हो जाएगी अभी जो स्केल टू ऑफिसर होता है बैंक के अंदर जो स्केल टू ऑफिसर लगता है डायरेक्ट जो स्केल टू ऑफिसर लगता है उसकी जो ग्रॉस सैलरी रहती है वो लगभग आपकी एट्टी फाइव के आसपास रहती है एट्टी फाइव के लगभग से आप बोल सकते हो कि एट्टी एट के लगभग आपकी इतनी सैलरी रहती है फिर जो न्यू सैलरी रहेगी जो नया स्केल रहेगा उसकी एक लाख दस हजार के लगभग आपकी सैलरी देखने को आपको मिलेगी तो ये था आपका रिवाइज पे इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन कैलकुलेट ऑन विच पोस्ट यू आर

जीएम रहता है जो न्यू ज्वनी रहेगा उसकी बेसिक पे होगी वन लैख सिक्सटीन फिर उसका बेसिक पे इंक्रीज हो जाएगा वन फिफ्टी सिक्स तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है जीएम की सैलरी में सो so, इस हिसाब से आप अपनी सैलरी निकाल सकते हैं सो दिस इज द इन दिस एंड स्टैग्नेशन की अगर अपन यहीं पर बात करें तो स्टैगनेशन के बाद हैविंग ट्वेंटी इंक्रीमेंट यू रिसीव्ड इन योर स्किल देन आपका स्टैगनेशन स्टार्ट हो जाता है तो स्टैग्नेशन में ऐसा होता है कि दो साल बाद में एक इंक्रीमेंट मिलता है दो साल बाद में आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है स्टैग्नेशन में ऐसा रहता है आपका फिर एक टाइम आके फिर आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है अब अगर आपकी बेसिक कितनी होगी इसके आगे आपको हाइक नहीं मिलेगा फिर आपका जो डी रहता है वही आपका इंक्रीज होता रहता है या जो स्पेशल अलाउंसेस रहता है वही आपका इंक्रीज़ होता रहता है फिर आपको वेट होता है आपको करना फाइव ईयर के बाद में फिर से आपका रहेगा थर्टीन बाइपरटाइट सेटलमेंट उसमें फिर आपकी बेसिक पे फिर से आपकी रिवाइज हो जाएगी सो दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट आई वांट टू शो यू एंड आई बिलीव नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट योर सैलरी एंड इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत